ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत करता हूँ आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ अड्डा सारण में। चलिए फिर मैं हाजिर हो गया एक नया सेशन लेके एसके झा सर का, जो रेलवे ग्रुप डी का प्रैक्टिस सेट जो है वॉल्यूम 2 प्रैक्टिस सेट, उसका हम जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट 16 करने वाले हैं। अगर आपने अभी तक प्रैक्टिस सेट 15 तक नहीं देखा है तो जीके प्लस जीएस एसके झा वॉल्यूम 2 के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। और वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, क्योंकि लाइक करने में आप लोग कंजूसी बहुत करते हैं। और मेरे चैनल पर 57% लोग ऐसे हैं जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए लेकिन मेरा वीडियो देखते हैं, तो उन सभी भाइयों से भी निवेदन है कि आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बिल्कुल फ्री है, इसका कोई चार्ज नहीं लगता है, क्योंकि 57% मैक्सिमम होता है। बहुत अगर आप लोग जुड़ जाइएगा मेरे से तो मेरा थोड़ा सा सब्सक्राइबर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप लोग भी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बिना टाइम वेस्ट के क्लास को शुरू करते हैं और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि 27 दिसंबर 1911 में पहली बार जनगणमन कहाँ पर गाया गया था। ये बहुत फेमस चीज़ है, ये आपका NTPC 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, कि पहली बार कब गाया गया है। तो ये कोलकाता का अधिवेशन जो हुआ था, पहली बार कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए, जनगणमन को राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। कब अपनाया गया था, 24 जनवरी 1950 में अपनाया गया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो इसके लेखक हैं राम मनोहर लोहिया। कौन है, राम मनोहर लोहिया, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ राजेंद्र प्रसाद लिखा हुआ है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे हमारे सारण कमिश्नरी के ही थे, ठीक है। ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति एवं महान भारतीय स्वतंत्रता सेनानी भी थे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में जब क्रिप्स मिशन आया उस समय भारत का वायसराय कौन था। देखिए, वायसराय से रिलेटेड क्वेश्चन NTPC में पूछे गए हैं और उम्मीद किया जा रहा है कि आने वाले दिनों में यानी कि ग्रुप डी के भी एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, तो ये जितने भी हैं आप देख लीजिएगा, ठीक है। भारत में जब क्रिप्स मिशन आया उस समय भारत का वायसराय जो था लॉर्ड लिनलिथगो था। कौन था, लॉर्ड लिनलिथगो, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान में रखिएगा, आने वाले दिनों में पूछा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, 51वां संविधान संशोधन विधेयक मंत्रिपरिषद को कितना प्रतिशत तक सीमित करने के लिए जारी किया गया है। तो 91वां जो संविधान संशोधन विधेयक था ये मंत्रिपरिषद को 15% तक, कितना 15% तक सीमित रखने के लिए जारी किया गया था, तो ऑप्शन बी डी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 168 में राज्य में विधानमंडल का प्रावधान करता है, ठीक है। चलिए, और 92वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो 2003 में संविधान की 8वीं अनुसूची में बोडो डोगरी और संथाली भाषाओं को उसमें समावेश किया गया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस राजनीतिक दल की स्थापना स्वतंत्रता से पहले हुई है यानी कि पूर्व हुई है, तो स्वतंत्रता से पूर्व किसका हुआ है, तो ये भारतीय साम्यवादी दल का, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसकी जो स्थापना हुई थी यानी भारतीय जनसंघ दल का, अगर इस जनसंघ दल का अगर देखा जाए तो 21 अक्टूबर 1950 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा दिल्ली में किया गया था, ठीक है। स्वतंत्रता पार्टी की बात की जाए तो स्वतंत्रता पार्टी का जो स्थापना हुआ था ये चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने अगस्त 1959 में किया था, ठीक है। और आपका स्वतंत्रता से पूर्व किसका हुआ था, भारतीय साम्यवादी दल का हुआ था, ठीक है।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी सीपीआई का अस्तित्व किस वर्ष हुआ था? तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का जो अस्तित्व हुआ था ये 1925 ईस्वी में हुआ था। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट, पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास उसके विषुवतीय व्यास से कितना कम होता है? तो पृथ्वी का जो ध्रुवीय व्यास होता है उसके विषुवतीय व्यास से 43 किलोमीटर कम होता है। कितना होता है? 43 किलोमीटर कम होता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, पृथ्वी का विषुवतीय व्यास लगभग 12,750 किलोमीटर होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। निम्न में से कौन सी पर्वत श्रृंखला विश्व में सबसे लंबी है? तो विश्व में सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सा है? तो एंडीज पर्वत श्रृंखला जो है विश्व में सबसे बड़ी है। ठीक है, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। और हिमालय को पर्वत राज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पर्वत राज कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट, पृथ्वी की सतह के नीचे द्रवीभूत शैल कहलाता है। तो पृथ्वी की सतह के नीचे जो द्रवीभूत शैल होता है उसे हम मैग्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? मैग्मा कहते हैं। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पृथ्वी के सतह पर भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर के बिंदु को क्या कहा जाता है? तो ऊपर के बिंदु को कहते हैं उत्केंद्र यानी एपिसेंटर। ये क्या कहलाता है? उत्केंद्र कहलाता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। भूकंप के उत्पन्न होने का प्रारंभिक बिंदु केंद्र या हाइपोसेंटर भी कहलाता है। क्या कहलाता है? केंद्र या हाइपोसेंटर भी कहलाता है। रिक्टर स्केल का खोज अमेरिका वैज्ञानिक ने चार्ल्स रिएक्टर के इसको मापने के लिए क्या किया जाता है? तो चलिए अगला क्वेश्चन, आय विधि से राष्ट्रीय आय का आकलन करते समय निम्नलिखित में से किसको शामिल नहीं किया जाता है? तो किसको शामिल नहीं किया जाता है? किराया, पेंशन, मिश्रित आय या अवितरित आय। तो देखिए, आय विधि से राष्ट्रीय आय का आकलन करते समय अवितरित आय शामिल नहीं किया जाता है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारत की राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय की गणना का प्रथम प्रयास दादा भाई नेहरूजी ने वर्ष 1867-68 ईस्वी में किया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, किसी राष्ट्र की राष्ट्रीय आय क्या होती है? आय होता है, तो किसी भी राष्ट्र की राष्ट्रीय आय क्या होता है? उत्पादन कार्यों का योगफल होता है। क्या होता है? उत्पादन कार्यों का योगफल होता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, राष्ट्रीय आय का लेखा का जो जन्मदाता है वो साइमन कुजनेट्स को राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता माना जाता है। ठीक है, और डॉक्टर आर गाडगिल तथा वी के आर वी राव राष्ट्रीय आय समिति के क्या थे? सदस्य थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर कूलाम की बात की जाए तो ये किसका होता है? अब इसका ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए इन सब का मैं आपको डिटेल दे रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए, जूल किसका होता है? तो कार्य या ऊर्जा का जूल होता है। ठीक है, और वाट क्या होता है? शक्ति का क्या होता है? वाट, या इसे सामर्थ्य भी कह सकते हैं, वाट या जूल पर सेकेंड, ये दोनों होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, कि 80 किलोग्राम की वस्तु को 40 मीटर की ऊंचाई तक लगभग 50 सेकेंड में ऊपर उठाने हेतु आवश्यक शक्ति क्या होगी? अब देखिए, शक्ति क्या होगी हमसे ये पूछा जाए। अगर सबसे पहले वस्तु को हम उठाएंगे तो एक अगर स्थिति ऊर्जा देखें तो MGH होगा। तो पावर बराबर क्या होता है? MGH बटा टी। शक्ति क्या होता है? MGH बटा टी। अब M माने द्रव्यमान, तो 80 गुना G का वैल्यू आप 10 ले सकते हैं। कितना मीटर उठाना है? 40 मीटर, तो 40 बटे समय कितना है? 50 सेकेंड, 50। एक जीरो से एक जीरो काट दीजिए, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, 8 अठाई 64, यानी कि 640 जूल पर सेकेंड। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन,
किसी भी क्षण किसी रॉकेट का त्वरण निर्वासित गैसों के वेग की घात nth के समानुपाती होता है, यहाँ n का मान क्या होना चाहिए? देखिए, रॉकेट न्यूटन के गति के तीसरे नियम पर कार्य करता है और रॉकेट के भीतर एक कक्ष में ठोस या तरल ईंधन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में अगर जलाया जाता है, ठीक है, तो ये क्या होता है, उसका पावर क्या हो जाएगा? मान लीजिए रॉकेट की गति अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चाल के हो, रॉकेट की गति अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू गैस के चाल के पावर nth घात हो, तो n का मान क्या होना चाहिए? एक होना चाहिए। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका एक हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। किसी वस्तु के संवेग में 0.02 सेकेंड में 10 किलोग्राम 10 केजी मीटर पर सेकेंड परिवर्तन होता है, तब तो वस्तु पर कार्य कर रहा बल क्या होगा? अब देखिए, टी हमको यहाँ पे दे दिया है 0.0 सेकेंड, संवेग हमको यहाँ दे दिया है 10 किलो केजी मीटर पर सेकेंड, तो बल क्या होता है? बल बराबर होता है संवेग में परिवर्तन बट्टा समय। बल यही होता है कि संवेग में परिवर्तन, संवेग कितना दे दिया है तो 10, आ समय कितना दे दिया है 0.02, तो यही हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 100 से गुना कीजिएगा तो ऊपर 1000 हो जाएगा और नीचे 2 हो जाएगा, यानी कि 500 न्यूटन। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि थोड़ा सा नीचे कि झूले पर बैठे लड़की की गति डैश होता है, तो झूले पे बैठे लड़की की गति क्या होती है? आवर्ती गति होती है। मान लीजिए ये झूला है, इस पर आप बैठेंगे तो झूला ऐसे ऐसे होगा, तो ये क्या होता है? आवर्ती गति होती है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सी एक रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं है? तो रासायनिक प्रतिक्रिया कौन? अपघटन, रासायनिक प्रतिक्रिया ऑक्सीकरण, हाइड्रोलिसिस। तो गुरुत्वाकर्षण जो है ये रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। गुरुत्वाकर्षण एक भौतिक प्रतिक्रिया है। क्या है? गुरुत्वाकर्षण भौतिक प्रतिक्रिया है। नेक्स्ट, एक गेंद को 20 मीटर पर सेकेंड के वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है, 3 सेकेंड के पश्चात विस्थापन का परिमाप क्या होगा? स्मॉल जी का वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड दिया। देखिए फॉर्मूला होता है s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब हमको एक a का जो मान होता है वो g लेना होता है, तो h ऊपर की ओर फेंक रहे हैं तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, h बराबर ut माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। क्या लेंगे? एच बराबर यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए एच हमको निकालना है, इनिशियल वेलोसिटी क्या दिया 20 गुना 3 सेकेंड माइनस 1/2 गुना जी का मान 10 दिया है गुना टी स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर। अब देखिए 20 तिया 60 माइनस 2 से कट गई 5 बार में 15, 3 का स्क्वायर 9 यानी कि 45, 60 में से 45 जाएगा तो कितना आ जाएगा 15 मीटर। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ग्रहों की परिक्रमा पथ का आकार कैसा होता है? तो ग्रहों का परिक्रमा पथ का आकार फैला हुआ वृत्त जैसा होता है। कैसा होता है? फैला हुआ वृत्त जैसा होता है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, चमगादड़ उनके मार्ग में आने वाली वस्तुओं से टकराकर वापस आने वाली डैश द्वारा मार्ग की बाधाओं को पता लगाते हैं। तो चमगादड़ जो है प्रासरप ध्वनि तरंगों से, वो जो चलते हैं ना, तो ध्वनि प्रासरप ध्वनि तरंगों को उत्पन्न करते हैं और उसके ही सहायता से क्या करते हैं, वो आगे बढ़ते हैं, यानी कि अल्ट्रासोनिक तरंग को वो ये करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। और इसी के सहायता से वो अपना शिकार भी खोजते हैं और रास्ता भी खोजते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा दर्पण की प्रतिबिंब सतह पर स्थित है? सतह पर यानी देखिए गोलीय दर्पण के प्रवर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव या पोल कहा जाता है। क्या कहा जाता है?
ध्रुव या पोल कहा जाता है। तो पोल की दर्पण की प्रतिबिंब सतह पर स्थित होता है, पोल जो है दर्पण के बिंब सतह पर स्थित होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पोल। तो ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, परावर्तित किरणों के वास्तविक प्रतिच्छेदन द्वारा निर्मित प्रतिबिंब जो हम स्क्रीन पर देखते हैं डैश होता है, क्या होता है। देखिए, प्रकाशकिरण में जब किसी प्रकाशीय युक्त वस्तु से निकलने वाली किरणें प्रकाशीय युक्ति से निकलने के बाद वास्तव में किसी बिंदु पर मिलती है तो उस बिंदु पर क्या होता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। क्या बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा इसको जूम कर लेना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 11 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं पर 3 कूलम के आवेश को स्थानांतरित करने में कितना कार्य किया जाएगा। अब देखिए, यहाँ Q कितना दिया है, 3 कूलम, और V कितना दिया है, 11 वोल्ट। ठीक है, तो W बराबर क्या होता है, W बराबर होता है Q इंटू V। Q आपको 3 है, V आपको 11 है, कितना हो जाएगा, 11 × 3 = 33 जूल। 33 जूल यानी कि ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, 10 ओम के दो समान प्रतिरोधक समांतर रूप में जुड़े हैं, यह संयोजन 10 ओम के तीसरे प्रतिरोधक से जुड़ा जाता है तो संयोजन का समकक्ष प्रतिरोध डैश के बराबर हो जाता है। अब देखिए, थोड़ा सा यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको, 2 ओम के समान प्रतिरोध 10 ओम के, मान लीजिए ये 10 ओम के हैं, ये 10 ओम के हैं, समान प्रतिरोध समांतर रूप में जुड़े, ये कह रहे हैं समांतर रूप में जुड़े हैं, यह संयोजन 10 ओम के तीसरे प्रतिरोधक से जुड़ा है और ये 10 ओम के एक तीसरे प्रतिरोधक से जुड़ा है। तो आमने सामने अगर 10-10 है तो ये क्या हो जाएगा, अगर ये 10 है, ये 10 है, तो समानांतर में क्या होता है, 1/R इक्विवेलेंट जो होता है वो हो जाता है 1/R1 + 1/R2। अब देखिए, ये आमने सामने 10-10 ओम का जुड़ा है, ये हो जाएगा 1/10 + 1/10 यानी कि 2/10 यानी कि 5। ये 10-10 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। जब ये 5 हो जाएगा, ये 10-10 5 और समानांतर में ये 10 जुड़ा है तो ये क्या हो जाएगा, 10 × 5 = 15 ओम हो जाएगा डायरेक्ट। ठीक है, कितना हो जाएगा, 15 ओम। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि एक परिपथ के माध्यम से विभवांतर और धारा दुगनी हो जाती है तो परिपथ का प्रतिरोध क्या होगा। अब देखिए, यदि एक परिपथ के माध्यम से विभवांतर और धारा दुगनी हो जाती है तो परिपथ का प्रतिरोध क्या हो जाएगा, प्रतिरोध क्या होगा, समान रहेगा, क्योंकि V/I बराबर क्या होता है, R होता है, V = IR होता है, तो R बराबर क्या हो जाएगा, प्रतिरोध V/R होगा। अगर विभवांतर माध्यम से विभवांतर और धारा दोनों दुगनी कर दिया जाए, अगर दोनों दुगनी हो जाएगा तो दो दो कट जाएगा, धारा क्या हो जाएगा, समान रह जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 100 वाट के एक इलेक्ट्रिक बल्ब का प्रयोग प्रतिदिन 8 घंटे के लिए किया जाता है तो एक दिन में बल्ब द्वारा प्रयुक्त होने वाली ऊर्जा यूनिट क्या हो गई। व्यय ऊर्जा हमको ज्ञात करना है, तो ऊर्जा बराबर क्या होता है, हम जानते हैं वाट, आवर और डे बट्टा 1000, यानी वाट यानी कि 100 वाट गुना कितना घंटा चल रहा है, तो 8 घंटा और एक दिन बट्टा एक, ये हो जाएगा 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा यानी कि 0.8, कितना हो जाएगा, 0.8/10 यानी कि 0.8 यूनिट। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, यह देखते हुए कि ऑक्सीजन के 1 मोल का परमाणु का वजन 16 ग्राम है तो ओजोन का परमाणु भार क्या हो जाएगा। ऑक्सीजन का परमाणु भार अगर 16 है तो ओजोन क्या होता है, O3 यानी कि 16 × 3 यानी कि 16 × 3 = 48 ग्राम पर मोल हो जाएगा। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, M कक्षा में शामिल हो सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है। तो M कक्षा में शामिल होने वाले 2, 8, 8, 18 K, L, M
तो 2 8 18 क्या होता है, 2 KLMN में इलेक्ट्रॉनिक संख्या क्या होती है, तो ये आपका सॉरी ये 1 2 ये 3 होता है, तो ये क्या हो जाता है 2 का क्यूब। ठीक है, 2 का क्यूब भी होता है दिया कोश में। अगर n की संख्या देखें तो 2 का क्यूब कर रहे हैं यहाँ पे 1 2 3 यानी कि 3 का 2 2 देखिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है 2n² होती है, तो ये 2 × 3² हो जाएगा, 3×9 = 18 तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से विलयन का पीएच मान न्यूनतम होता है, तो पीएच मान सबसे कम होता है तो नींबू का सबसे कम होता है, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। नींबू का पीएच मान 2.2 होता है, रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, 4 होता है, शुद्ध जल की बात की जाए तो शुद्ध जल का पीएच 7 होता है, और डिटर्जेंट की बात की जाए तो डिटर्जेंट का तो चलिए छोड़िए उसको, चलिए आगे बढ़ते हैं। आवर्त सारणी के चौथे आवर्त में डैश तत्व उपस्थित होते हैं, तो आवर्त सारणी के चौथे आवर्त में 18 तत्व क्या होते हैं उपस्थित होते हैं, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, फास्फोरस की परमाणुकता क्या है, तो फास्फोरस की परमाणुकता जो होती है वो 4 होती है, सफ़ेद फास्फोरस क्या होता है P4, तो ये इसकी क्या हो जाएगी चतुर्थ परमाणुक होती है यानी कि 4, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग केवल पशु कोशिका में पाया जाता है, तो पशु कोशिका में सिर्फ क्या पाया जाता है, तो लाइसोसोम जो होता है वो पशु कोशिका में पाया जाता है, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, कि कवक विज्ञान क्या है, तो कवक विज्ञान में कवकों यानी कुकुरमुत्ता राइजोपस म्यूकोस आदि का अध्ययन किया जाता है, तो कुकुरमुत्ता का अध्ययन किया जाता है, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसे एपिकल्चर में मधुमक्खियों का अध्ययन किया जाता है, सोरोलॉजी में छिपकलियों का, इक्थियोलॉजी में मछलियों का, तो ये सब भी क्वेश्चन पूछा जाता है, आप इसको थोड़ा सा देख लेंगे। नेक्स्ट, मानव शरीर की त्वचा का सबसे बाह्य परत क्या कहलाती है, तो मानव शरीर की त्वचा का सबसे बाह्य परत जो होती है वो एपिडर्मिस कहलाती है, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि टेपवर्म फाइलम डैश से संबंधित होता है, तो टेपवर्म फाइलम जो होता है प्लेटीहेलमिंथिस से संबंधित होता है, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए प्लेटीहेलमिंथिस शब्द ग्रीक भाषा के 2 शब्द से बना है, प्लेटी बराबर फ्लैट तथा हेलमिंथिस मतलब वर्म से मिलकर बना होता है, जिसका अर्थ चपटे क्रीमी होता है, इसमें से अधिकांश परजीवी होते हैं। नेक्स्ट, केंचुआ निम्न में से कौन से प्राणी संघ से संबंधित है, तो केंचुआ जो है एनिलिडा से संबंधित है, एनिलिडा प्राणी से संबंधित है, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, 2021 में प्रगति बैठक की अध्यक्षता किसने की, तो ये हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। प्रगति यानी प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन, प्रगति बैठक की 35वीं संस्करण की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की, जिसमें उन्होंने विभिन्न परियोजनाओं शिकायतों कार्यक्रम की समीक्षा की, और इन सब के अलावा प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना का भी समीक्षा इसमें लिया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नए MD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो ये स्वामीनाथन जानकी रमन और अश्विनी कुमार तिवारी इन दोनों को नियुक्त किया गया है, तो ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा बोथ ऑफ
यानी बी और सी दोनों, तो ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत जापान एक्ट ईस्ट फोरम की 5वीं संयुक्त बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? तो ये आयोजित भारत में किया गया था, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अपतटीय गश्ती पोत विग्रह को कहाँ लॉन्च किया गया है? तो इसको लॉन्च चेन्नई में किया गया है, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत का पहला 5G नेटवर्क शुरू करने वाले कंपनी का नाम क्या है? तो 5G नेटवर्क शुरू करने वाले पहले कंपनी का नाम है एयरटेल, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए भारतीय एयरटेल के संस्थापक की बात की जाए तो सुनील भारती मित्तल हैं, और इसका CEO की बात की जाए तो गोपाल विठल हैं। ठीक है, और इसका हेड क्वार्टर दिल्ली में। नेक्स्ट, भारत में पहला जेंडर पार्क कहाँ खोला गया है? तो पहला जेंडर पार्क जो है वो केरल में खोला गया है, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। इसका जो उद्घाटन हुआ है 11 से 13 फरवरी के बीच केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट, भारत की पहली एंटी रेडिएशन मिसाइल का क्या नाम है जिसका हाल ही में सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है? तो इसका नाम रुद्रम 1 है, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए, एंटी रेडिएशन मिसाइल वह मिसाइल होता है जो दुश्मन के रडार एवं ट्रांसमिट सिग्नल को खबर देता है, जिससे दुश्मन अपनी रडार और ट्रांसमिट सिग्नल की क्षमता को खो देता है। और रुद्रम 1 भारत का पहला एंटी रेडिएशन मिसाइल है जिसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है, और इसे DRDO द्वारा विकसित किया गया है। ठीक है, चलिए अंतिम क्वेश्चन देखते हैं कि किस कंपनी ने आरक्षित रेल टिकट बुक करने के लिए IRCTC के साथ भागीदारी की है? तो IRCTC के साथ अमेजन ने भागीदारी की है। ई कॉमर्स कंपनी जो है अमेजन IRCTC के साथ पार्टनरशिप की है। अब कोई यात्री अमेजन पर भी रेलवे टिकट बुक कर सकता है, इस पार्टनरशिप के तहत यूजर कन्फर्म टिकट पा सकेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, मैं ऐसे ही वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर होता रहूँगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।